PT2 एग्जाम्स के बाद हम लोग अपनी संचयन बुक के साथ शुरू करेंगे। आप लोगों के टर्म वन सिलेबस में संचयन में से कोई भी चैप्टर नहीं था। इस बार संचयन के चैप्टर्स भी हैं और स्पर्श के भी हैं, और आप लोग घर जाकर देख लीजिएगा। मैंने टर्म टू का सिलेबस डाल दिया है, देख लेना एक बार, ठीक है। इस बार ग्रामर नहीं है। पिछली बार टर्म वन में आपको राइटिंग स्किल्स नहीं थी, इस बार राइटिंग स्किल्स हैं, ग्रामर नहीं है। और इस बार एमसीक्यूज नहीं है, फुल फ्लेज पेपर, सब्जेक्टिव पेपर, अभी तक की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली। आगे जो गाइडलाइंस आती हैं, अगर कुछ चेंज होता है या कुछ भी होता है तो साथ साथ इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब तक की जो गाइडलाइंस आई हुई हैं सीबीएसई की, उसके अकॉर्डिंगली अब आपका सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। हाँ जी, नहीं आएगा, बिल्कुल होंगे, जो भी होते हैं। हाँ, वो टेंथ, आपके अभी नाइन्थ है। हम कमेंट्स कुछ ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा, ध्यान पढ़ाई में रखें। क्लास में बच्चे बनकर आए हैं, बच्चे बनकर रहे हैं, ठीक है। डाउट्स क्लियर करने का हर एक को अधिकार है। अच्छे से अब से पढ़ाई शुरू कर लेना। जो गलतियां पिछली टर्म में की हैं वो गलतियां अब नहीं करूंगी, ठीक है। रेगुलर बेसिस पर क्लासेस लगाइए, रेगुलर बेसिस पर काम कीजिए, ओके। राइटिंग्स की हमें खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब मैंने पिछली बार आपको नारा लेखन, संदेश लेखन करवाया, कुछ लोगों ने किया, कुछ ने नहीं किया, कुछ ने उसको बहुत ही लाइटली लिया। अब ये सब नहीं चलेगा, ओके। और एग्जाम्स यहाँ से होते हैं, बाहर से आते हैं, क्या है, दैट डिपेंड्स। हमें ये मान के चलना है कि सारा सिलेबस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। पहला दिन है, आज से ही दृढ़ निश्चय कर लें कि टर्म टू में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। जो पहले गलतियां हुई उन्हें दोहराना नहीं, ठीक है। आज हम अपनी संचयन बुक में जो पाठ दिया गया है गिल्लू, ये हमने पहले भी पाठ पढ़ लिया था। नया सिलेबस आने से पहले हम ये पाठ पढ़ चुके थे, ठीक है। इस पाठ के बारे में काफी कुछ आप लोगों को पता होगा, लेकिन हम दोबारा से इसको पढ़ने जा रहे हैं, ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स? आप लोग अपनी वीडियोस ऑन कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हरमीत, आपकी आवाज नहीं आ रही, डिस्टर्बेंस है बेटा, माफ करना। मैम, हिंदी की टर्म टू की न्यू नोटबुक लगानी है? नहीं, उसी में कंटिन्यू कर लेना, ओके, ठीक है। बुक्स निकाल लीजिए, संचयन गिल्लू पाठ है, लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का एक और पाठ हमने पढ़ा था, किस क्लास में पढ़ा था? सेवेंथ में। कौन सा पाठ था? नीलकंठ। उससे पढ़कर हमें क्या पता चलता था? लेखिका को पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था, प्रकृति से प्रेम, पशु पक्षियों से प्रेम। गिल्लू पाठ भी इसी पर आधारित है। पढ़ेंगे गिल्लू कौन है, कौन है, कोई बताएगा गिल्लू कौन है? गिलहरी। क्या बताया है लेखिका ने इसमें गिल्लू के बारे में? लेखिका उसकी देखभाल करती हैं। गिलहरी, गिलहरी का बच्चा, ओके। ओके ओके
और किसी को कुछ याद हो इस पाठ में से? हाँ, गिलहरी भी बहुत परेशान थी, उसने अपना खाना भी नहीं खाया था। आकर जब उसका पिंजरा देखा गया था तो उसमें काजू वैसे ही पड़े हुए थे। ठीक है, रिकॉल करने के लिए एक बार दोबारा इस पार्ट को पढ़ते हैं। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना, जहां कुछ नहीं समझ में आएगा बार बार बेशक पूछो। आई विल क्लियर द डाउट्स। ओके, सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। सोन जूही, जूही एक फूल है जो पीले रंग का होता है। ठीक है, उसमें एक पीली कली लगी है। कलियां मतलब बर्ड्स होती है ना, जिनसे फूल बनते हैं। एक पीली कली लगी है, इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हुआ या जो इस लता की सघन हरी तिमा में छिपकर बैठता था। ये कहानी जो है अभी आप लोगों ने जैसे दादी माँ पाठ पढ़ा था याद है, प्रेजेंट में बात चल रही थी, फिर लेखक को पिछला याद आता है, फिर उसके बाद वो प्रेजेंट में आ जाता है। इसी तरह से इसने लेखिका भी प्रेजेंट की बात कर रही है, फिर उन्हें अपना पास्ट याद आता है, गिल्लू याद आता है, और फिर वो प्रेजेंट की बात करती है। ठीक है, वो कहती है आज फिर एक पीली कली लगी है, इसे देखकर ही अनायास ही, अनायास मतलब अचानक, अनायास अचानक ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। स्मरण मतलब याद, लेखिका को उस छोटे से जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरी तिमा में छिपकर बैठता था। सघन मतलब सघन, घना, हरी तिमा हरियाली। कहती है कि ये जो पीली कली खिली है उसे देखकर मुझे उस जीव की याद आ गई जो इसकी घनी हरियाली में बैठा करता था, और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। वो कहती है जब वो पहले था और मेरे कंधे पर बैठ जाता था, उस समय जब मैं उसके पास जाती थी तो मैं कलियां खोजती थी, कहां कहां कलियां खिली हैं, अब इनमें से फूल खिलेंगे। कहती है आज जब मैं उन कलियों के पास गई हूँ तो मैं उस लघु प्राण को खोज रही हूँ। लघु प्राण मतलब उस छोटे जीव को, लघु मतलब छोटा, प्राण मतलब जीव, और आज मैं उस छोटे जीव को ढूंढ रही हूँ, परंतु वह तो अब इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। सोन जूही के आसपास कहीं उसे दबा दिया गया होगा और वो उसमें उस मिट्टी में मिट्टी ही बन गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। स्वर्णिम मतलब सुनहरा, पीला। कहती है ये भी हो सकता है कि अब वो जो है वो इस स्वर्णिम, इस पीली कली के रूप में बाहर आ गया है, शायद अब भी मुझे कली के रूप में चौंका देना चाहता है। समझ में आ रहा है इतना रिद्धि का? ठीक है, ए अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा। अब वो पास्ट में चली गई है, ठीक है, पीछे की कहानी याद आ रही है, परंतु वह ओके। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौए एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुआल जैसा खेल खेल रहे हैं। छुआ छुआल मतलब पकड़न पकड़ाई जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काक भुशुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादृत अनादृत, अति सम्मानित अति अवमानित। काक भुशुंडी कौआ, कौआ अजीब प्राणी है, उसने बोला अजीब पक्षी है, विचित्र पक्षी है। क्यों? एक साथ समादृत और अनादृत, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका सम्मान भी किया जाता है, लोग इसको अपनी छतों पर रोटी भी डालते हैं, पूजते भी हैं, इसको खाना दिया जाए, और
कौए का घर की छत पर कर्कश ध्वनि में काऊ काऊ करना भी किसी को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, विचित्र प्राणी है, इसे सम्मान भी दिया जाता है और इसे अवमानित भी किया जाता है। हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। उन्हें पितृ पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। अवतीर्ण होना मतलब प्रकट होना। जैसे आजकल पितृ पक्ष चल रहा है ना, तो लोग जो है श्राद्ध करते हैं, तो कुछ लोग कौए को खाना डालते हैं। उनका ये मानना है कि कौए के रूप में हमारे जो पितर हैं वो आते हैं और उस खाने को ग्रहण करते हैं, तो इस पक्ष में कौए को खाना भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रिय जनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। जब कौआ हमारी छत पर बोलता है तो कहते हैं कि आज कोई आएगा, घर में कोई आएगा, है ना, ऐसा माना जाता है। लेकिन उसकी जो कर्कश ध्वनि है वो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। अगर कौआ ज्यादा देर तक काऊ काऊ करे तो हम फटाफट से उसको भगाने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर हम कौआ और काऊ काऊ करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। ज्यादा देर तक अगर कौआ काहे काहे करता रहता है तो उसे अशुभ माना जाता है, अच्छा संदेश नहीं माना जाता। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। गमले और दीवार की संधि, लेकिन कहा कि शब्दावली देखो, है ना, ये साहित्य की भाषा है, लिटरेचर है। उसने ये नहीं कहा कि दीवार के पास एक गमला पड़ा था, उस गमले के पास या उस दीवार के पास कौआ था, गिलहरी थी, जहां कौए उसे परेशान कर रहे थे, ऐसे नहीं उसने कहा। उसने कहा गमले और दीवार की संधि में, जहां गमले हम दीवार के पास रखते हैं ना, उसके बीच में जो थोड़ा सा रास्ता है, थोड़ी सी जगह है, उसमें छिपा हुआ, छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, संभवतः मतलब शायद घोंसले से गिर पड़ा है, और अब कौए उसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। सुलभ आहार, सुलभ मतलब जो आसानी से मिल जाए, आहार मतलब खाना। छोटा सा गिलहरी का बच्चा है, उनसे ना वो भाग सकता है ना अपनी जान बचा सकता है, और ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें बड़ी आसानी से अपना खाना मिल गया। काक द्वय, काक मतलब कौआ, द्वय मतलब दो, काक द्वय दोनों कौए। अब उसने भाषा देखो, दोनों कौए नहीं लिखा, काक द्वय लिखा। कितनी अच्छी भाषा है, हमें कितने सारे शब्द इसमें से सीखने को मिलेंगे। काक द्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। निश्चेष्ट जिसमें कोई हरकत नहीं हो रही, जो मूर्छित सा है, बिना कोई हरकत की। सबने कहा कौए की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। क्या ये मानवता है कि उसे ऐसे ही रहने दिया जाए, या उसे बचाने की कोशिश की जा सकती है? एक कोशिश तो की जा सकती है ना बचाने की, परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पहुंचकर घावों पर पेंसिलीन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। अब छोटा सा बच्चा है, चम्मच से तो उसको दूध पिला नहीं सकती थी, तो कॉटन ही सबसे अच्छा तरीका था। जो बहुत छोटा बच्चा होता है, बहुत छोटा बच्चा, उसको
जो बॉटल से दूध नहीं पी सकता, तो उसको भी रुई जो है वो दूध में भिगोकर उसके होंठों पर लगाई जाती है कि वो अपने होंठ खोलेगा, होंठ गीले होंगे, दूध अंदर चला जाएगा। तो उसने उस छोटे गिलहरी के बच्चे को भी रुई से दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन बेचारा इतना निढाल था कि उससे दूध पिया ही नहीं गया। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वे इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3 दिन तक उसका उपचार किया जा सका और वो काफी ठीक हो गया। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। स्निग्ध स्निग्ध रोए मतलब चिकने चिकने सॉफ्ट रोए, और सबको विस्मित करने लगी। झब्बेदार पूंछ, गिलहरी की पूंछ पता है ना कैसी होती है ना, उसे कहते हैं झब्बेदार पूंछ। सबको विस्मित करने लगी, विस्मित मतलब हैरान, सब हैरान होने लगे। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। जातिवाचक संज्ञा क्या है उसकी? गिलहरी। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब उसे उसका नाम दे दिया गया। गिलहरी जातिवाचक, उसकी जाति का पता चल रहा है, और उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप दे दिया, यानी कि उसका पर्टिकुलर नाम रख दिया गया। और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में, डलिया मतलब टोकरी, डलिया टोकरी, फूल रखने की एक छोटी सी टोकरी में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। एक टोकरी ली, उसमें रुई बिछाई, रुई क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती है, छोटा सा बच्चा था उसने उसको रख दिया और तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच की मनकों सी आंखों के कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। बहुत ही समझदार था, और उसके जो काम थे अपने क्रियाकलापों द्वारा, कार्यकलापों द्वारा सबको आश्चर्य होता था, हैरानी होती थी। गिलहरी के बारे में एक बड़ा अच्छा फैक्ट है, किसी को पता है? कल ही पढ़ा मैंने, पहले भी पढ़ चुकी हूँ पर कल अभी नया नया उसको रिकॉल किया मैंने। जो गिलहरियां होती हैं ये नट्स खाती हैं, पता है? इसमें भी पढ़ा ना हमने, काजू याद है, ये नट्स खाती हैं। और बहुत सारे ये जो अपना खाना इकट्ठा करती हैं, इधर उधर से कोई बीज इकट्ठे किया, खाना इकट्ठा किया, एक ही बार में नहीं खाती हैं, इकट्ठा कर लेती हैं, उसको जगह जगह छुपा देती हैं और फिर निकाल निकाल कर खाती हैं। और बहुत बार छुपा कर भूल जाती हैं कहाँ छुपाया था, और जाने अनजाने वो वृक्ष का रूप ले लेते हैं। कहते हैं कि जो वृक्ष होते हैं, जो जाने अनजाने उग जाते हैं वृक्ष, जिन्हें खास तौर पर बीजों को नहीं लगाया जाता, बहुत सारे वृक्ष उगाने में गिलहरियों का हाथ है, क्योंकि ये बीज छुपाकर भूल जाती है और वो उग जाते हैं और वो धीरे धीरे पौधों और वृक्षों का रूप ले लेते हैं। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी और मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। आप अपना कुछ काम कर रहे हैं, बैठे हैं, है ना, कोई आपके पास आकर बार बार एक ही शरारत करता रहे, कैसा लगता है? क्या आप अपने काम में लगे रहेंगे? नहीं ना, उसकी ओर ध्यान जाएगा ना। तो जो गिल्लू था, जब लेखिका काम करने बैठती थी तो गिल्लू लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पास में लगे पर्दे पर चढ़ जाता, उतर जाता, चढ़ जाता, उतर जाता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए
ना उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दो पंजों और सिर के अतिरिक्त उसका सारा लघु गात लिफाफे के भीतर बंद रहता। उसके अगले दो पंजे और सिर, कहती मैं उसको लिफाफे में ऐसे बंद कर देती थी कि उसका सिर और उसके दो पंजे बाहर निकलते थे, बाकी सारा शरीर अंदर होता था। जब इतना सा हिस्सा ऊपर का और नीचे का बाहर होगा तो क्या वो बाहर निकल पाएगा? नहीं, उसको सांस आती रहे और अपने पंजे हिलाता रहे, बस इतनी उसको राहत देकर लिफाफे में बंद कर देती थी। यहाँ लिखा है लघुगात। लघुगात मतलब दो शब्दों से बना है। लघु मतलब छोटा, गात मतलब शरीर, छोटा सा शरीर। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वे अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वे मुझे सूचना देता, और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे उतरता। घंटों पड़ा रहता, दो चार घंटे बाद भूख लगती तो चिक 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 करता, उससे पता चल जाता कि भूख लगी हुई है, बिस्कुट दे दो, काजू दे दो, उसको पकड़ के बस उतरता रहता, फिर उस स्थिति में बैठा रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। बसंत पता है ना सबको? नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बसंत, पहला बसंत, समझते हो? हाँ, वो सीजन होता है ना, बसंत सीजन है ना, जब वो पैदा हुआ उसके बाद उसकी पहली बसंत आई। ठीक है, प्रथम बसंत सीजन, बसंत का मौसम। बसंत के मौसम में हमें पता ना प्रकृति एक नया रूप ले लेती है, फूल पेड़ पौधे सब खिल जाते हैं, सब और हरियाली हो जाती है, और हमें पता है कि लेखिका को पशु पक्षियों और प्रकृति से बहुत ही ज्यादा प्रेम था। उसके अपने घर में आंगन में बहुत सारे पेड़ पौधे भी थे, जहां इतने उसने पशु पक्षी रखे होंगे, जहां इतना बड़ा जाली घर भी रखा था, याद है ना, बड़ा जाली घर रखा हुआ था, तो वहां पर प्रकृति तो होगी, पेड़ पौधे तो होंगे। तो कहती है जब उसका पहला बसंत आया, नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में होले होले आने लगी। एक बहुत ही अच्छी खुशबू हमें उस मौसम में महसूस होने लगती है। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पर से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। जब बाकी की लहरियां भी उधर आई तो ऐसे लगा कि सब मौज मस्ती कर रहे हैं और गिल्लू को भी अब थोड़ी देर बाहर भेजना चाहिए। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। मुझे थोड़ी देर के लिए आजाद किया गया है। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। याद है हमने कजली के बारे में पढ़ा था नीलकंठ में, उसकी बिल्ली जो थी उसे नहीं पसंद था कि कोई और पशु पक्षी उसके पास आए, जब मोर मोरनी के बच्चों को लेकर आई थी, है ना, तो उसे उसके पास कुत्ते बिल्लियां थे और गिलहरी इतनी सी, कुत्ते बिल्लियां इतने बड़े बड़े, तो उन सब से इसको बचाना भी एक समस्या थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मैंने बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था, मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद रहता। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। तब से यह नित्य का क्रम बन गया। नित्य का क्रम मतलब रोज की आदत हो गई है, जब भी वो आती कमरा खोलती तो गिल्लू उसके पैरों से सिर पर, सिर से पैरों पर उछल कूद कर लेना। बाकी हम कल पढ़ेंगे कि लेखिकाओं और गिल्लू का आपस में किस तरह का प्रेम था, किस तरह का व्यवहार था, और साथ ही हम इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।